नीचे नीचे हो गया मीडिया वाले लगातार बात करते आ रहा हूँ बताओ। दो दिन तक बस्तर दौरा आप पीड़ितों से मिला। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बस्तर प्राधिकरण की बैठक हुई और उस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। केवल निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं हुई बल्कि इंद्रावती के प्रोजेक्ट के लिए भी अलग से प्राधिकरण बनाया गया, गठन की घोषणा हमने की है। साथ ही वहाँ कनिष्ठ चयन बोर्ड के वहाँ कार्यालय भी खुलेगा, जो वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उसको उससे लाभ भी मिलेगा। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट के मामले में जो सामुदायिक दावे हैं उस पर गंभीरता से विचार करना है, जो व्यक्तिगत दावे हैं उस पर विचार करना है, और ग्राम समिति पहली बार बन रही जब कि एक्ट में प्रावधान है उसका अभी तक के पालन नहीं किया गया था, पहली बार उसका क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे वास्तविक हकदार हैं उसको वन अधिकार अधिमान्यता पत्र मिल सके। उसके साथ साथ अबूझमाड़ में भी जो लोग जो वास्तविक में बस्तर के मूल निवासी हैं उनके उनको भी ज़मीन का हक मिलना चाहिए, इस दिशा में हमने निर्देश दिया है। नक्शा समस्या के बारे में मैंने शुरू से कहा था कि मैं वहाँ जाके पीड़ित से, वहाँ के प्रभावित लोगों से, पत्रकारों से, नौजवानों से सबसे चर्चा करूँगा, तो उस दिशा में हम लोगों ने कल से प्रयास शुरू कर दिया। विभिन्न वर्ग के लोगों से चर्चाएँ की हैं लेकिन ये अंतिम नहीं है, अभी और क्षेत्रों में जाके और बहुत सारे लोगों से चर्चा करेंगे और कोई जल्दीबाजी नहीं है। मूल रूप से बात तो ये है कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे बड़ी बात है रोज़गार। लोग खाली बैठे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको रोज़गार देने की है, और उस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो अब सरकार के जो काम हैं वो केवल सड़क निर्माण नहीं है या बिल्डिंग निर्माण नहीं है, बल्कि लोगों को रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, उस दिशा में सारे कलेक्टर को, कमिश्नर को, विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कनक तिवारी जी ने इस्तीफा दिया है, कनक तिवारी जी ने इस्तीफा दिया है, आप इस्तीफे को देख चुके हैं? इतना सोर्सेज है, देख चुके हैं, उसकी जगह दूसरे नियुक्ति भी कर दी गई है। उन्होंने असमर्थता जाहिर की है और उन्होंने जो पेशकश के लिए उसको स्वीकार कर लिया। आउटसोर्सिंग की बात आपने जबलपुर में की है कि बंद की जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में इसका लाभ कब से मिलेगा? ये वहाँ जो विद्या मैदान के जो लोग हैं उसको अतिथि शिक्षक के रूप में उसे काम लिया जाएगा, और आउटसोर्सिंग हम लोगों को बंद करना चाहिए क्योंकि लोगों को रोज़गार मिले, जो वास्तविक हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। जी केंद्रीय मंत्रिमंडल बना है उसमें राज्य मंत्री फिर से मिला छत्तीसगढ़ को? मैं तो सबसे पहली बात यह है कि जितने मंत्रिमंडल में सदस्य बने सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ के साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है। पिछले समय भी एक राज्य मंत्री दिया गया था, इस समय भी एक राज्य मंत्री दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार उपेक्षा का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दो दिन तक आप वहाँ पर रहे, बस्तर में दो दिन तक रहे, सियासी लफ्ज का ढूंढने की कोशिश की है, दो सीटों पर चुनाव हो रहा है, मैं उस दिशा में काम तो नहीं किया, लेकिन अभी हमने जो आया है उस घोषणा की है, अब उसके बाद प्रशासनिक आदेश निकलेगा। देखिए जो चुनाव है उस जब चुनाव आएगा उस समय उसकी तैयारी की जाएगी, अभी से तो जो बस्तर के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आज हम लोगों ने जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है उसमें भी दो जगह निरीक्षण, ये गरवा के लिए किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनना चाहिए, बाड़ी किस प्रकार से होना चाहिए, वो बड़े कनेरा में आप देखा जा सकता है।